पूर्णता पूर्मिदं पूर्णात् पूर्णमदिच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयम चरणम शीशमलम पर्वतम चरणम शीशमलम शशांकम चरणम शीशमलम गंगाजलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकचारितम बलवन स्वानम लम्लजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपाम अस्मा सुगुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी गिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए वो कोई मौलवी नहीं गए वो कोई मौलाना नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। और वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो सारा जग छोटे तो छोटे सारा जग छोटे तो छोटे दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना जिसने किया गए जग की रचना उससे नाता जोड़ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ या है जग में बन के मनुष्य आ या है जग में क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा अपने मानने वालों से ओ मेरे मानने वालों माटी की ही मुंह रत को पूजे माटी की मुंह रत को पूजे जिसमें नहीं है जान माटी की मुंह रत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे जिस मूरत में जान है प्यारे जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान जमाना उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। मैंने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा तुमने तो इंसानियत का पैगाम मुस्तफा का पैगाम जमाने वालों को सुनाया लेकिन एक बात बताओ गौसे आजम के ताल्लुक से तुमने कुछ कहा गए। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा हाँ हमने कहा गए। हमने क्या कहा क्या कहा गए। अब पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा कृपा करो अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा असल तुम्हारी और सुंदर सररी मनोगर मंगल आसी रम पर नासी मगल मद। और पीर हमारे सागे जीला पीर हमारे सागे जीला कर गो कर में अपना सागे जीला कर गो कर में अपना सागे जीला। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। नारे तकबीर नारे रिसालत
मसलके आला हजरत अजमते गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब नाज़िम भाई ज्यादा ना पढूं वरना तो सुबह कुछ लोग मौलाना सज्जाद साहब को और मुफ्ती मुदस्सिर साहब को पकड़ेंगे कि ये बताइए आप लोगों ने क्या बुलाया था रात में। मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम तकरीर किए, नारा लगाने लगा एक लड़का बीच से खड़े होकर, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत इतना तो पंडित भी नहीं पढ़ पा रहा है, आप जितना पढ़ दिए, लेकिन याद रखना लोगों मैंने जितने भी मंत्र पढ़े हैं, जितने भी श्लोक पढ़े हैं, मोइनुद्दीन कादरी बगैर हवाला के एक भी श्लोक नहीं पढ़ता, और जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। और याद रखिएगा अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। खुलासा कर दूं, अरे बोलिए ना भाई, जो मैंने मंत्र पढ़ा खुलासा कर दूं, हवाले के साथ खुलासा कर दूं। नाज़िम भाई बड़े मसले हैं आजकल, आइए नौजवान देखिए, दो चार ऐसे सामने बैठे हैं चुपचाप, इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ। आप देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून, इन लोगों के यहाँ एक बीमारी चली है, जानते हो वो आपके यहाँ सिर्फ नहीं हमारे यहाँ भी है, वो एक बीमारी चली है। देखिएगा ये सैलून जाएंगे, अजीब कट कटवाएंगे, फिर अपने आप को गौस का दीवाना कहेंगे, एक कट चला है, देखिएगा इधर भी साफ, बीच में रखते हैं, जानते हो कैसे? ये देखा, ये नाज़िम भाई ये ऐसा कट रखता, ऐसा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा याद रखना लोगों, क्या आपने कभी सोचा है क्या गौसे आजम के दीवाने की कटिंग ऐसी होगी? क्या गौस के दीवाने की कटिंग सर की ऐसी होगी? नहीं नहीं, याद रखना जो खाजा का दीवाना होगा सरकार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, गौसे आजम का दीवाना होगा मुस्तफा से प्यार करने वाला होगा, वो जान दे देगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम न करेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ये नौजवान ही नहीं हजरत, औरतें भी अपने यहाँ की कम नहीं है। हमारे यहाँ की औरतें कुछ गाती है, वो जब बच्चा नहीं सोता है गोद में लेती है, पता नहीं आपके नाज़िम भाई क्या है, हमारे इलाके में वो माँ बहने गाती है, बच्चे को गोद में लेगी और कहती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। हाँ, ये हमारे इलाके में गाती है, अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं, कुछ ना कुछ तो हो, है ना? मैं कहना चाहूंगा इसमें भी कसूर नौजवानों का है, जानते हो हजरत ये जाएंगे, ये कौम हमारी कौम के नौजवान ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हरियाणा, वहां से एक साल काम करके आएंगे, पैसे बचा बचा कर जमा कर करके 10-20 हजार जमा करेंगे, जैसे ही बरेली शरीफ रेलवे जंक्शन उतरेंगे वहां उतर कर एक दुकान पे जाएंगे और वहां जाके 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे और घर लेकर आएंगे और घर की दीवार पे ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा, अब वो उसकी घर की माँ बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, याद रखना लोगों आज हमारी माँ बहन है जो कुरान की तिलावत नहीं बल्कि उनकी जबान पे गाना है। आज के जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों अगर तुम सुन रही हो तो तुम भी समाप्त करो, आप भी अपनी बेटियों को पैगाम दो, बीवी को पैगाम देने से पहले अपनी बेटियों को पैगाम दो, अगर ये कौम अपनी बीवी के बजाय अपनी बेटी को हर फर्द समझाने लगे तो याद रखना एक इंकलाब पैदा हो जाएगा। आप तो गाने सुनती हो, आप तो सीरियल देखती हो, आप तो हमेशा पिक्चर देखती हो, याद रखना जिस जश्न गौसुल वरा में तुम आई हो और आप भी आए हो, सुनना लोगो गौसे आजम का भी बचपना गए, अल्लाह अल्लाह ज्यादा उम्र शरीफ नहीं गए, अभी कम उम्र गए, गौसे आजम अपने सीने से कुरान मजीद चिपका लेते गए और सीने से लगाकर कुरान मजीद लेकर दरसगाह पहुंचते गए, मदरसा पहुंचते गए, गौसे आजम के उस्ताद ने कहा ओ बेटा अब्दुल कादिर बैठो, सुनना माँ बहनों तुम भी माँ बहन हो, तेरे बेटे गुंडे निकल रहे गए, तेरा
बेटा शराबी हो गया, तेरा बेटा जुआरी हो गया, तेरा बेटा अय्याश हो गया, तेरा बेटा मक्कार हो गया, तेरा बेटा नाफरमान हो गया, तेरा बेटा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन देखो गौसे आजम की माँ ने, गौसे आजम की वालिदा ने क्या तरबियत गौसे आजम की फरमाई थी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम पहुँचते गए, उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हुजूर पढ़ने आया गो। उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनना लहसोई वालो, ओ बहेड़ी से आने वालो, गौर से सुनना। गौसे आजम के उस्ताद ने कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो गौसे आजम है, पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां दसवां ग्यारह बारह तेरह चौदह पारे जबानी पढ़ दिए। सुभान अल्लाह, इतना पढ़ना था। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तू पढ़ने आया गए या मुझे पढ़ाने आया गए? इतना सुनना था। कहा उस्ताद जी पढ़ने आया गो। ओ अब्दुल कादिर ये बता, पहले किस मदरसे में पढ़ा, किस उस्ताद के पास पढ़ा? इतना सुनना था। गौसे आजम ने अर्ज किया, हुजूर हमने न तो किसी उस्ताद के पास जाकर पढ़ा, न तो किसी मदरसे में तालीम हासिल किया। ए बेटा अब्दुल कादिर, लेकिन ये बता तुझे चौदह पारे जबानी कैसे याद हो गए? इतना कहना था। गौसे आजम ने जवाब दिया, हजरत जी बात ये है उस्ताद मोहतरम, बात ये है कि मैं किसी मदरसे में तो ना गया, किसी उस्ताद के पास तो ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ चौदह पारों की हाफिजा है। मेरी माँ सुबह बेदार होती थी, अपने हाथ में झाड़ू लेती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती जाती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी। मैं माँ के शिकम से अंदर से कुरान को सुनता जाता था। मेरी माँ पढ़ती जाती थी, मैं सुनता जाता था, और उस्ताद जी सुनते सुनते आलम ये हो गया, मैं जब पैदा हुआ तो जितनी माँ को चौदह पारे याद थे कुरान करीम के, मुझे भी चौदह पारे ज़बानी याद हो गए थे। नारे तकदीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन वो गौसे आजम है, जरा गौर से सुनिएगा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरी खाली झोली गौसे आजम जीलानी। और आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आजम जीलानी। मंत्र का खुलासा करूं, अरे खुलासा करूं, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो गुफ्तगू, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमने जितना मंत्र पढ़ा है, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, गौर से सुनना। हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, इसलिए दुनिया हम और आपको मुसलमान कहती है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और इस्लाम में
मुसलमानों का सबसे पहला अकीदा ये है कि लोगों अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। इन चीजों से जो पाक साफ है वही हम सब का खुदाए पाक है। कुरान ने भी कहा है कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो पूरा मजमा अल्लाह एक है। शहादत की उंगली को उठा कर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रहे। ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठा कर बताओ कि अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में आज बोलना सीखो मुसलमान। अगर आप न बोले आपके आने वाली मुस्तकबिल के जो आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। बोलने वालों को उनका हक दिया जाता है। जो कौम खामोश रहती है सफाई हस्ती से उसे मिटा दी जाती है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में लगे के जलसा भी शुरू हो रहा है। पूरा मजमा रंग बनाओ जलसे में और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। एक है। आपको बोलने में डर लग रहा, ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो चरखा। चरखा, अब सुनते जाओ तकरीर। ये है चरखा, ये चरखा है। आप सोच रहे होंगे मौलाना चरखा की क्या जरूरत है तकरीर में। गौर से सुनना, मेरी आदत ये होती है कि अगर छोटा बच्चा भी मजलिस में हो, अगर वो बूढ़ा भी हो, तो उनके जहन में भी ये बात आसानी के साथ समझ में आ जाए और उनके जहन में मेरी बात उतर जाए। ये देखो चरखा है। अल्लाह अल्लाह, आपको बोलने में डर लग रहा, आपकी आवाज नहीं निकल रही। एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही थी। गौर से सुनिएगा, स्टेज के उलमाए किराम दुआओं से नवाजे। आप अगर बैठेंगे और आपकी दुआएं अगर रहेंगी इन मजमा पे, याद रखिएगा आज का जलसा 110% कामयाब रहेगा। एक ये चरखा है, चरखा। इस चरखे में एक बूढ़ी औरत सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? क्या सवाल किया, क्या प्रश्न किया, अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सुना उस बूढ़ी औरत ने, वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए बेटा सुनो, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है। और बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहती है बेटा तेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। बात वजूदे बारी ताला पे है, सवाल वजूदे बारी ताला के ताल्लुक से किया नौजवान ने। वो बूढ़ी औरत जवाब देती है सुनो बेटा अल्लाह है, तेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि अल्लाह है। जब इतना कहना था उस नौजवान ने कहा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है? ये तुम दलील के साथ बता रही हो या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी ओ बेटा मेरे पास दलील है, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ तेरे पास दलील कौन सी है इस बात पे, क्या दलील है कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अपने चरखे की तरफ इशारा करती है और कहती है बेटा अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है? वो बूढ़ी मुस्कुराने लगी और कहने लगी ए बेटा तुमने नहीं समझा ये चरखा कैसे दलील है? कहा के नहीं समझा, कहा के सुनो, ये छोटा सा चरखा है, मैं चलाती हूँ तब ये चलता है, मैं अगर ना चलाऊं ये चरखा अपने आप नहीं चलता है। कहा के कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए बेटा कहने का मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। पूरा बताओ अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसाला। अब जरा सुनना लोगों, एक बस्ती में दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए और उलमा से पूछिए मुफ्ती साहब से, दहरिया कहते किसे हैं? दहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। गौर से सुनना, दो तीन दहरिया किस्म के लोग आ गए और वो आकर मुसलमानों की बस्ती में घुस गए और एक जगह सभा लगा दिए। एक जाकर एक मेंबर पे खड़ा हो गया, स्टेज पे खड़ा हो गया और जैसे ही स्टेज पे खड़ा हुआ सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और प्रश्न करने लगा, कहा के ओ मुसलमानों, हमारा तीन प्रश्न है, अगर तीनों प्रश्न के सही सही उत्तर दे दोगे तो फिर हम तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे और अगर तुम जवाब न दे पाए तो तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। एक बात याद रखना, मुसलमान अपनी जान को दे सकता है लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूंगा, अब दहरिया जब कहने लगे कि तीन सवाल गए, मुसलमान टट गए, कहने लगे सारे मुसलमान पूछो क्या करना चाहते हो, प्रश्न करो। जब इतना सुना ना, एक दहरिया खड़ा हो गया, गौर से सुनना, एक दहरिया खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब मुसलमान परेशान हो गए कि हमने तो अल्लाह को कभी देखा नहीं गए, मौलाना लोगों से सुन सुन के अल्लाह को एक माना गए, अल्लाह की इबादत करते गए, एक अल्लाह को माबूद मानते गए, लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है ये तो बड़ा हार्ड प्रश्न है, इसका हम लोग उत्तर कहां से देंगे। अब दहरिया दूसरा प्रश्न कर बैठा, कहा के ओ मुसलमानों, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह किधर देखता है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? अल्लाह किधर देखता है? अब मुसलमान और परेशान हो गए, और परेशान, पसीना पसीना हो गए। अब दहरिया तीसरा सवाल करने लगा, कहा के सुनो, मेरा तीसरा प्रश्न ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या गए? गौर से सुनना, तीन प्रश्न किया, कहा पहला प्रश्न ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? तीसरा प्रश्न ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या गए? अब मुसलमान सारे परेशान हाल थे। इतने में एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने से कुरान करीम को लगाए हुए चला आ रहा है। ओ लोगो याद रखना, मदरसे में जो बच्चे जिनके पढ़ते गए ये आलिम दीन गए, और मैं ठोक कर दावे के साथ कहता हो किसी का बेटा डॉक्टर, हो किसी का बेटा इंजीनियर, हो किसी का बेटा अफसर, याद रखना जमाने के हजार डॉक्टर को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, एक आलिम दीन को, एक नाइब रसूल को, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखा जाए तो उन हजार डॉक्टर और अफसरों का पल्ला हल्का हो जाएगा, इन आलिम दीन का पल्ला भारी हो जाएगा। अगर आपके इलाके में मदरसे चलते गए, आप खुश नसीब हो, मदरसा मजबूत कीजिए, मदरसा अगर मजबूत करेंगे, क्योंकि लोगों मदरसे ने आपको इमाम दिया गए, मदरसे ने खतीब दिया गए, मदरसे ने शागिर दिया गए, मदरसे ने आलिम दिया गए, मदरसे ने हाफिज दिया गए। और मुफ्ती साहब एक बात मैं कह दूं, आज लोग जबान चलाते गए इस मौलवी ने क्या किया है, याद रखिएगा, आपसे मैं कहना चाहूंगा, आप कहते हो इस मौलवी ने क्या किया है, मौलवी ने क्या किया है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप सच्चे दिल पे हाथ रखकर बताना, है कोई ऐसा डॉक्टर आपके समाज में, है कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा आपके समाज में जिसने के फ्री में आपके समाज को, आपकी कौम को एक फ्री में डॉक्टर बनाकर दिया हो? है कोई अफसर जिसने फ्री में आपकी कौम को अफसर बनाकर दिया हो? है कोई इंजीनियर जो फ्री में एक इंजीनियर बनाकर कौम के सुपुर्द किया हो कि हमने ये इंजीनियर कौम को बनाकर दे दिया, ये कौम के काम आए, हमने ये डॉक्टर अपने समाज के लिए दे दिया तैयार करके, ये डॉक्टर समाज के काम आए? नहीं नहीं, लाखों रुपए फीस जमा करने होते गए, किसी डॉक्टर ने आज तक फ्री में अपनी कौम को डॉक्टर बनाकर नहीं दिया, किसी इंजीनियर ने अपनी कौम को आज तक एक इंजीनियर बनाकर नहीं दिया, लेकिन ये उलमाए किराम का जिगर है, ये उलमाए किराम की हिम्मत है, इनकी अजमत को सलाम, इनके ताकत को सलाम, हर साल फ्री में अपनी कौम को दरवाजा
दराजा दरवाजा 10-20-30 रुपए मांग कर चंदा करके मदरसा चलाते गए, तुम्हारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते गए। कोई डॉक्टर अपनी समाज को एक डॉक्टर न दे सका, एक इंजीनियर अपने कौम को ये एक इंजीनियर न दे सका, लेकिन ये उलमा है। हर साल हमारे उलमा अपनी कौम को हजारों इमाम दे रहे हैं, हजारों आलिम बनाकर दे रहे हैं, हजारों हाफिज बनाकर दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये उलमा ही की जात है। गौर से सुनिएगा, ये जितने हैं, अगर आपके इलाके में मदरसा चल रहा, मदरसा मजबूत कीजिए, तालीम के मामले में आगे बढ़िए। जरा गौर से सुनिएगा, जब लोग भीड़ लगा करते, एक मकतब में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने में कुरान लगाए हुए चला आ रहा है, जैसे ही भीड़ के पास पहुंचा, सोचा कोई खेल चल रहा है, एक चचा से पूछा, ओ चाचा ये बताओ यहाँ कौन सा खेल चल रहा है? कहा बेटा खेल नहीं चल रहा, यहाँ कुछ दहरिया आए गए, हम लोगों को पसीना छोड़ा रहे गए। कहा के जाने दीजिए आगे। अब बच्चों की आदत होती है, अगर सामने से रास्ता ना मिले, दोनों पांव के दरमियान से घुस घुस कर आगे चला जाए। वो बच्चा भी आगे चला गया, वहां देखा झुप्पा पगड़ी लगाकर 2-3 दहरिया खड़े गए। ये बच्चा एक चचा से पूछा, चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे गए, ये लोग कौन सा खेल दिखा रहे गए? कहा ओ भतीजे, ये लोग नाटक नहीं कर रहे, ये लोग खेल नहीं दिखा रहे, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे गए। इतना बच्चे ने सुना, कहा चचा बताइए क्या बात है? कहा तेरे बस की नहीं गए, तू ही पूछ ले। ये बच्चा आगे गया और जाकर कहने लगा, एक छोटा सा बच्चा गए अपनी कौम का, मैंने क्या कहा, हमारी कौम के बच्चे भी याद रखना जान दे सकते हैं, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। वो बच्चा जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ गए, अब दहरिया से कहने लगा, ओ दहरिया ओ ये बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न है? कहा हमारे 3 प्रश्न है। कहा क्यों, तुझे क्या जरूरत है? कहा कि मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अच्छा बोलो, क्या कहा? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब इतना सुना ना, अब वो दहरिया कहने लगा, तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। अब दहरिया कहने लगा, सुनो अगर नहीं मानता, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? जब इतना सुनना था, बच्चे ने कहा, ओ दहरिया तू कुर्सी पर बैठा है, नीचे उतर, नीचे उतर। दहरिया झुंझला गया। कहा क्यों? कहा के उतर। कहा क्यों? कहा तुझे मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता गए, जो प्रश्न करने वाला होता गए, वो नीचे बैठा करता गए, और जो उत्तर देने वाला, जो जवाब देने वाला होता गए, वो ऊपर कुर्सी पर बैठा होता गए। सुभान अल्लाह सर। अब जब इतना सुना ना, वो दहरिया लाल पीला हो गया, जाके नीचे बैठ गया। बच्चा दौड़ के आके कुर्सी पे बैठ गया। बच्चे ने कहा, ओ दहरिया अब प्रश्न कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया और दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा मेरा पहला प्रश्न ये है, गौर से सुनना, तैयार रहना, अब उसके बाद मैं हवाला भी पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा। कहा ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। कहा बच्चा मुस्कुराता क्यों है? तू जवाब दे, तू उत्तर दे मेरे प्रश्न का। बच्चा जलाल में आया। बच्चा कहने लगा, ओ दहरिया तक भी तुझे समझ में नहीं आया? कहा के नहीं आया। सुनो, बच्चे ने कहा, सुनो दहरिया, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, हमें इज्जत दे रहा है, जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा रहा है। अल्लाह तुझे जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पर बैठा रहा है। कुरान कहता है, वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है। हमें इज्जत दिया, कुर्सी पर बैठा रहा है, तुझे जलील और रुसवा किया है, कुर्सी से उतार कर जमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आलम, नारे तकबीर। अब दहरिया कहने लगा, ओ बच्चा, बच्चे ने कहा पूछ दूसरा प्रश्न कर, दूसरा प्रश्न कर जल्दी। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, कहने लगा, ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने चीज निकाली अपने झोले से, ये क्या है?
बोलो ना भाई मोमबत्ती। ऊंचा बोले पूरा मजमा, ये क्या है मोमबत्ती? पीछे वालों को दिख रही ये क्या है मोमबत्ती। अब बच्चे ने मोमबत्ती को एक जगह गाड़ दिया जमीन में और कहा ओ दहरिया इसमें आग लगा दे। वो दहरिया आग लगा दिया, ये मोमबत्ती रोशन हो गई, मोमबत्ती जलने लगी। दहरिया ने कहा ओ बच्चा तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये मोमबत्ती से क्या लेना देना। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया ओ दहरिया इसी मोमबत्ती में तेरा उत्तर छुपा है, इसी मोमबत्ती में तेरे सवाल का जवाब छुपा है। कहा के वो कैसे? कहा के ओ दहरिया एक प्रश्न का उत्तर तू दे। कहा के जल्दी पूछ। अब वो बच्चा ने जब कहा, कहा के ओ दहरिया सुन इस मोमबत्ती की रोशनी है। कहा के हाँ है, ये मोमबत्ती जल रही है। कहा जल रही है। कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है, दाएं जा रही है या बाएं जा रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है। कहा के नहीं नहीं ये मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो बच्चा मचल गया। कहा के ओ दहरिया सुन अब तक तुझे समझ में नहीं आया। कहा के नहीं आया। कहा के कहने का मतलब यह है जब इस मोमबत्ती की रोशनी, इस मोमबत्ती का प्रकाश जब अपने चारों तरफ को जगमग 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 रोशन कर दे रही है तो याद रखना अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी शामिल है, अल्लाह का नूर पेड़ में भी है, पहाड़ में भी है, चांद में भी है, सूरज में भी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह का नूर السماوات والارض, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, आसमान में भी है, सारी कायनात में है। सुभान अल्लाह सुभान। अब दहरिया कहने लगा, बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न जल्दी कर जल्दी कर, अब मैं जहां आपको लाने चाह रहा हूं बस मैं वहां पहुंचने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। बच्चे ने कहा ओ दहरिया तीसरा प्रश्न कर, तीसरा प्रश्न कर, तीसरा सवाल कर। अब वो दहरिया खड़ा हो गया, फिर कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। आज इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा लोग फेमस होना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा। जब इतना सुना ना बच्चे ने कहा तीसरा प्रश्न कर, दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है। बच्चे ने कहा ओ दहरिया ये बता तुझे गिनती आती है, गौर से देखिए इधर देखिए। कहा गिनती आती है? कहा के हाँ आती है, जाहिल समझा है। कहा के जल्दी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा। कहा के गिनती कर। बच्चे ने कहा जल्दी शुरू कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। कहा आगे बढ़। अब वो दहरिया ने कहा बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे। कहा आगे बढ़। कहा इक्यानवे बानवे तेरह नब्बे चौरानबे पंचानबे छियानबे सत्तानबे अंठानबे निन्यानबे सौ। कहा के ओ दहरिया उल्टी गिनती आती है? कहा के हाँ आती है। कहा के उल्टी गिनती शुरू कर। अब वो दहरिया कहने लगा सौ निन्यानबे अंठानबे सत्तानबे छियानबे पंचानबे चौरानबे तिरानबे बानबे इक्यानबे नब्बे। आगे बढ़। अब वो दहरिया कहने लगा अस्सी सत्तर साठ। आगे बढ़। कहा पचास चालीस तीस। आगे बढ़। कहा बीस उन्नीस अठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह। आगे बढ़। वो दहरिया कहने लगा बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छह पांच। आगे बढ़। कहा चार तीन दो एक। आगे बढ़। कहा एक 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 एक। आगे बढ़। कहा एक 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 एक। अब दहरिया झुंझला गया। बच्चे ने कहा और आगे बढ़। अब दहरिया झुंझलाया, गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा ए बच्चा तू हमें जाहिल समझता है। कहा के नहीं नहीं तू तो गिनती कर बैठा, इसके आगे बोल क्या होता है। दहरिया कहने लगा ए बच्चा एक से पहले कुछ नहीं होता है, एक से पहले कुछ नहीं होता है। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा ओ दहरिया अब तक नहीं समझा। कहा के नहीं समझा। कहा के सुन अरे जब एक में नंबर से पहले कुछ नहीं होता है, तुमने खुद कहा एक से पहले कुछ नहीं होता है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है तो सुनो, जब नंबर में एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा एक है खुदा से पहले कुछ नहीं होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है अल्लाह से पहले कुछ नहीं। ऊंचा बोलो पूरा मजमा अल्लाह एक है। खत्म कर दूं तकरीर या आगे बोलूं? बोलो। हाथों को ठक कर बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठा कर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे, हाथों को उठा कर बोलो अल्लाह।
और झूम कर पूरा मजमा बोलिए अल्लाह एक है, एक है। अब जरा देखना मेरी तरफ, ये तो दलीले नकली हो गई, ये दलीले अकली हो गई। अब दलीले नकली की तरफ आओ, ये देखे मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है रामायण। ये देखे मेरे हाथ में एक हवाला, कोई गलत साबित कर दे मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, जो भी मैंने चौपाई पढ़ी है, वो मैं खुलासा करके जाऊंगा। एक मंत्र इससे पहले मैंने पढ़ा है, जिस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। इस किताब का पेज नंबर 200, इसको पकड़िए हजरत, ये देखें, इस किताब का पेज नंबर 231 है। ये देखें, इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। इसमें कहा गया लोगों, एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माधियक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। ये देखें, अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। कहा एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा। कहा लोगो, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। इस दुनिया को वही रोजी देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सभी उसके आश्रय हैं, जो सबों पे दया करता है वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब में है, ये देखे मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण का पेज नंबर 231 है। आज कुछ लोग कहेंगे ये मौलवियों को क्या हो गया है, मौलवी को रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम देता है, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, और हजरत जो भी मैं बोलूंगा इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी होगा, जलसा कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, मैं हवाला के साथ बात करता हूं। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मेरी तरफ देखो मुसलमान। आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और हमारे जलसों में रिकॉर्ड होनी चाहिए बातें, ताकि किसी दुश्मन को बीच में गड़बड़ करने का कुछ मौका ना मिले। हमारे इलाके में बाजाबता आप परमिशन लेने जाओ, प्रशासन कहती है सारी सारे जलसे की स्पीच की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि हम देखें तुम्हारे मौलाना ने क्या स्पीच दिया है। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, मेरे हाथ में ये रामायण भी है, मेरे हाथ में भागवत गीता मेरे बगल बैग में है, मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मेरे बैग में है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है। ये देखे रामायण है मेरे हाथ में। लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए मंत्र पढ़ता है, ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और एक शेर सुनो, हवा चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जलसों और मदरसों में आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं प्यारे, तुम हमारे जलसों में आकर तो देखो, हमारे उलमा पैगाम इत्तेहाद का देते हैं, हमारे उलमा अमन का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा शांति का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा प्यार का पैगाम देते हैं, और हमारे उलमा कहते हैं हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहां से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहां से प्यार का पैगाम आम होता है, लेकिन कुछ लोग वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यानी हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है,
नहीं नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओए तू गौर से सुन ले, मोइनुद्दीन कादरी भवांगे दोहल कहता है, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेज से कहता है, हम जिंदा हैं इसी हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा हुए हैं इसी मिट्टी से और मरेंगे तो इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करते हैं। इस मिट्टी की खाक को, इस जमीन की खाक को हम अपनी पेशानी पे लगाते हैं, हम जमीन से मोहब्बत करते हैं, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। याद रखना जो लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, मैं सारे हिंदू भाई बरादरे वतन की बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी है। हमारे घर के बगल में पंडित जी का घर है, बगल में जब कभी वो फज्र की आजान हो, बगल में हम सोए रहे, वो पूजा करने जाते, हाथ में वो कमंडल लेकर, वो लोटा में पानी लेकर हमको दरवाजे पे उठा देते हैं दस्तक देकर, मौलाना साहब मुफ्ती साहब बेदार हो जाइए, आजान हो गई है फजर की। ऐसे लोग भी हैं इस जमीन पे जिंदा जो मोहब्बत की बात करते गए, जो हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा अब पूरा मजमा तैयार रहना, जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान हो पूरे मजमे से नारा होना चाहिए, सारे लोग बोल कर बताना, लोग कहते गए कि काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब के नस को काटो, मुफ्ती सज्जाद साहब के नस को काटो, नाजिम भाई के नस को काटो, नईम भाई के नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, हमारे अवाम में से किसी के नस को काटो, इनको छोड़ो साकिब ये 10 साल के अगर बच्चे बैठे गए, इनके नस को काटो, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा कुछ आवाज ना आएगी, बल्कि खून जब निकलेगा खून का कतरा कतरा बही बोलेगा। तैयार रहना जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना हम जलसों से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम जलसों से इत्तेफाक का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, चैन का पैगाम देते हैं। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, रामायण है, मैं क्या बता रहा था, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है, पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है, और ऊंची आवाज में बताओ अल्लाह एक है। याद रखना आप बोलोगे, और मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अरिजा पेश करूंगा इन उलमा की बारगाह में, आप अगर बोलेंगे तो हमारी कौम बोलेगी। अब मैं अपने मौजू की तरफ धीरे धीरे आ रहा हूँ, वक्त ज्यादा ना हो जाए, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह एक है, किसी का हाथ नीचे ना रहे। आप अगर बोलोगे, ये उलमा जब बोलते हैं चारों तरफ फिजा में ये आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाथों को उठाओ, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मज़लूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रहे। हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।
माशाल्लाह, ये देखें मेरे हाथ में किताब है, आप मत डरिएगा। मोइनुद्दीन कादरी यही सोचकर तकरीर करता है, ये मेरी आखिरी तकरीर है। आप भी तकरीर कभी भी सुनिए, यही सोचकर सुनिए कि ये मेरी आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूँ। इसलिए हाथों को उठाओ और पूरा मजमा बताओ, अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई यहाँ से लेकर वहां तक, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाथों को उठाओ और झूम कर बताओ, अल्लाह एक है। खत्म करें क्या? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है, इसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखें, कहा कि रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है, इसमें लिखा है, बिन पद चल ही सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप लोग ये मत समझिएगा जोगी साहब का नाम इसमें आ गया। नहीं नहीं, ये देखा, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुनना, आप भी सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है, श्री रामचरितमानस। हाँ, मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ, अपना हथियार ये है मेरा। हाँ, जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए, इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है, जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, रखिए, रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब भी जानते होंगे कुछ कुछ। आज आपको हम चतुर्वेदी बना कर जाएंगे। जितनी देर आप वो किताब पढ़े हैं ना, अगर और मेहनत कीजिएगा तो, हाँ, बगैर पढ़े लिखे आज लोग बन जा रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभानअल्लाह, हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखे, कहा के लोगो, बिन पद चले सुने बिन काना, कहा लोगो, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले जो चलता है, लेकिन हम और आपके तरफ पाँव नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है जो सुनता है सुने बिन काना, जो हम लोग सुनता है, लेकिन हम और आपकी तरह अल्लाह के कान नहीं गए, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं गए। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी आपकी तरह जबान नहीं गए। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन बड़ा सख्त पकड़ता है, हमारे आपकी तरह हाथ नहीं गए। कहा क्या मतलब? कहा के मतलब ये है, अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आँख से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक, पवित्र, साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो, वो अल्लाह एक है। ये देखें मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरे हाथ में भागवत गीता भी है। ये देखें, मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा, अभी इसको इसी जगह रोकते हैं। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, फातिर السماوات والارض, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुआ मांगो लोगो, अल्लाह दुआ सिखा रहा है, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। याद रखना लोगों, दोस्त अल्लाह किसका बनता गए, अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता गए। मैंने पहले ही कहा, किसी चोर से दोस्ती अल्लाह नहीं फरमाएगा, किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी शतरंज और ताश खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी गीबत और चुगलखोरी करने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा। भाई साहब देखिए देखिए, जो जा रहे जाने दीजिए, हाँ, वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था, मौलाना साहब ने कहा तकरीर चल रही नहीं समझ में आ रहा, फिर बैठ गया, फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब फिर तकरीर शुरू की, फिर वो खड़ा हो गया, मौलाना साहब ने कहा फिर बैठ गया। तीसरी मरतबा जब खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, इतने जोर से डांटा, सुबह तक बैठल रह गया, जलसा खत्म, सब चला गया, कोई नहीं बचा। अब जानते हैं जब सब चला गया ना, वो अकेले बैठा था, मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, सब जा रहा था, जिस वक्त तकरीर हो रही थी तू जा रहा था, अब जलसा खत्म हो गया, जाओ सब चले गए, अभी क्यों, अभी तक क्यों बैठल है। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यहीं तमाम हो गया है।
है ना, इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, उनको भी रोकना जरूरी नहीं है, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। जरा हाथों को ठाकर बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हौसले बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, हौसले बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया 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 हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। सुनना लोगो, गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो अपनी जिंदगी में पांच चीजें शामिल कर लो, अगर पांच चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो फिर याद रखना अल्लाह ताला तुझसे दोस्ती फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुनना लोगो वो पांच चीजें कौन कौन सी है, सुन के जाना। माँ बहनों आप भी सुनना, ए लड़का एक झापड़ मारेंगे तेरे जड़ से बीमारी उतार देंगे हम। हाँ बेटा हम खाली खतीब नहीं है, मदरसे में कुटाई भी दो चार बच्चों को देते हैं। हाँ 11 साल से मैं जामिया नूरिया मालदा बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस के ओहदे पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इदारा भी चलता, लोग कहते हैं मौलवी क्या करता, हर मौलवी अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम करता है, हर मौलवी। हम खुद इदारा चलाते हैं हजरत लड़कियों का, मैं एक मदरसे का शेखुल हदीस हूँ, एक इदारा मेरा चलता है, 120 बच्चियाँ उस मदरसे में पढ़ती हैं। और जानते हो 120 बच्चियों में 10 बच्चियां हजरत ऐसी जिससे मैं एक रुपए भी लेता भी नहीं हूं, बल्कि साबुन तेल कपड़े सारी चीजों के खर्चे मैं उठाता हूं। हाँ कहां से, बस यही कौम जो देती है बस उसी से। मौलवी अय्याशी पे अपने पैसे खर्च नहीं करता है, जो भी पैसे लेता है वो कौम का दर्द लेकर सीने में जीता है। हाँ क्योंकि सब कुछ बनना आसान है लेकिन याद रखिएगा दीन का दर्द लेकर सीने में चलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, लेकिन हाँ अपनी अपनी जगह पे, आपके यहाँ आलिम आपके यहाँ के उलमा जो काम करेंगे मोइनुद्दीन कादरी नहीं कर सकता है, हमारे यहाँ मैं जो काम करता हूँ मुफ्ती साहब जाकर नहीं कर सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, ये जमीन बहुत बड़ी है, सब अपनी अपनी जगह पे काम कीजिए। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो हौसले बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, हौसले बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया पांच चीजों पे अमल कर लो, कितनी चीजों पे, ऊंचा बोलो पूरा मजमा कितनी चीजों पे, पांच चीजें, पांच चीजों पे अमल करो। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, अपने मलफूजात में गौसे आजम ने फरमाया पांच चीजों पे अमल करो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाएगा। गौर से सुनना, कहा पहली चीज ओ लोगो पांच वक्त की नमाज अदा करो, नमाजे पंजगाना मत छोड़ो। याद रखना आज एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, कितने लोग यहाँ पर आए होंगे जो ईशा की नमाज ना पढ़े होंगे, कितने यहाँ से जाकर फज्र की नमाज अदा ना करेंगे। याद रखना लोगों गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो होता गए जो गौस के नाम का मुर्गा भी खाता गए, आसान होती गए तो कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। याद रखना लोगों जो बेनमाजी होगा इनमें से कितने ऐसे होंगे जो फजर नहीं पढ़ते, सुहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब ईशा नहीं पढ़ते, या गौस का नारा लगाते गो। याद रखना लोगों अगर चाहते गो गौसे आजम भी आपसे मोहब्बत करे, आप गौस के सच्चे दीवाना होने चाहते हो। याद रखना गौसे आजम का दीवाना तब होगे, पांच वक्त की नमाजें अदा कर लो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह वाले भी राजी हो जाएंगे। ये सब सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी पहली चीज, गौर से सुनिएगा, नमाज छोड़कर अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, कभी जलसे में मत जाओ। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू फला जगह जलसा हुआ क्यों नहीं गया, हाँ कभी नहीं अल्लाह पूछेगा जलसे में क्यों नहीं गया, महफिल में नहीं गए अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों नहीं गया, मजार पे नहीं गए अल्लाह नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया, जिंदगी भर में कभी क्यों नहीं गया, नहीं पूछेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ा आपने एक वक्त की तो अल्लाह पूछेगा तूने एक वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मजार पे जाना चाहिए अकीदत मजबूत होती है, अल्लाह वालों का फैजान बरसता है, अल्लाह वालों का फैज मिलता है, लेकिन नमाज पढ़िए नमाज, नमाज को अगर छोड़ देते गो तो फिर आप अल्लाह का दोस्त कभी नहीं बन सकते। नमाज की
की पाबंदी करो। गौसे आजम ने फरमाया पांच चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज गौसे आजम ने फरमाया औलादो माँ बाप की फरमा बरदारी करो। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे, माँ बाप अगर राजी हो गए, गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, सरकार आला हजरत राजी हो जाएंगे, और माँ बाप अगर राजी हो गए, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और जब नबी राजी हो गए तो फिर खुदा राजी हो जाएगा। अगर माँ बाप नाराज हो ना, याद रखना जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, घर में रो रहे हैं, ये पैसे हजरत जब कोई लुटाता है ना, उलमा को दीजिए। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ा बाप घर में रहता है, बेटा से अगर दो चार दिन गैस की गोली मांगने लगे ना, गैस की टेबलेट, तो फिर बेटा झुंझला कर बात करता है कि ओ माँ सारी दौलत सारे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर दूं तेरी दवाई पर। कहना चाहूंगा याद रखना, अगर माँ से तू झुंझुला कर बात करता गए, बाप से अगर झुंझुला कर बात करता गए, ये पैसे यहाँ लुटाना बेकार है। मैं तो कहूंगा ये पैसे मुझ पर मत लुटाओ। अगर माँ बीमार है, माँ पर जाके माँ की दवाई पे खर्च कर दो, माँ के इलाज पे खर्च कर दो। बाप अगर बीमार हो, बाप का इलाज करवा दो और बाप की दुआएं ले लो। याद रखना जिनके माँ बाप नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से चले जाना। जब घर पहुंचोगे अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ हम आप मुझसे नाराज होकर बैठी गो। याद रखना मेरी तो दुनिया भी तुम हो, मेरी तो उकबा भी तुम हो, मेरी दुनिया और आखिरत तुम हो। ए माँ हमने तकरीर में सुना गए, अगर तू नाराज रहेगी तो मजलिस में जाना बेकार है, मदरसे में जाना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है। ओ माँ तू नाराज मत रह। ए माँ हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा सुनना, घर जाना, माँ से कहना ओ माँ कुछ नहीं चाहिए आपसे, दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आ चले की ठंडी हवा। खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? थक गए? थक गए हो? नहीं नहीं, ये उलमा हम जानते हैं आप लोग भी जबरदस्ती बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को रोजाना महफिल में रहना है, इन लोगों को एक रात जगह नारे तकबीर नारे रिसालत कर लेना, उसके बाद जाके दिन भर सोना है। हम लोगों को सफर भी करना है, आपको जलसे में भी रहना है। ये लोग साल में एक दो जलसे करवाते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा रहना पड़ता है। अल्लाह सलामत रखे। घर जाना और कहना अच्छा बंगला भी समझते हैं आप लोग, ये तो खुद चतुर्वेदी होकर बैठे ये लोग। हाँ हाँ अच्छा अच्छा सुना दूंगा। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलियो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है सारे लोग बोलेंगे दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आई? पूरा मजमा माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से। प्यारी माँ मुझको तेरी, हाथों को बुलंद करके, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में, तेरे आ चले की ठंडी हवा, तेरे आ चले की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और तेरे आ चले की ठंडी हवा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ।
ओ लोगो माँ बाप अगर जिंदा गए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप अगर दुनिया से चले गए माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगो। जिनके माँ और जिनके बाप जिंदा गए वो खुश नसीब है, दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले। इसलिए लोगो घर जाना कहना तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए और लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो हम कोई से के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने लोग कितने कितनी चीजें गौसे आजम ने क्या फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाने लगे। कितनी चीजों पे अमल करो ऊंचा बोलो, पांच चीजों पे। पहली चीज पांच वक्त नमाज की। आप जब चले गए तो ये नारा कौन लगाए? आसिफ रजा सुनिए ना, आसिफ रजा सैफी साहब ने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम तो फिर हो जाएगी मरीज की जिंदगी तमाम, है ना। अब मुफ्ती साहब से नारा लगवाइएगा तो फिर हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी तकरीर वो होती है नजरत के, तकरीर नारों से कामयाब नहीं होती है। लोग बैठ के सुन लिए और दो चार बातें दिल में उतर जाए बस समझे कि तकरीर भी कामयाब जलसा भी कामयाब हो जाए। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। बस इतने ही हाथ। अब मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूं। देखिए इसी अच्छा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग चाहते हैं मैं खत्म कर दूं। अरे वाह 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 माशाल्लाह। नहीं नहीं ये दीवाने बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, ये सब इसलिए बैठे हैं। हम आज नींद क्या है जान भी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देंगे। किसी ने कहा है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने गौसे आजम अजमते गौसे आजम उलमाए हिले सुन्नत लैसोई का सुन्नी मुसलमान अराकीने कमेटी उलमाए हिले सुन्नत फैजाने औलिया इकराम जश्ने गौसुल वरा अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी नारे तकबीर जिंदाबाद। अब तकरीर इतनी लंबी हो गई कि इनके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। अब ये सोच रहे किस में समेटूं मैं। हाँ बस दिल में समेटो, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो याद रखना कहा कि पांच चीजों पे अमल करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। दूसरी चीज कहा, तीसरी चीज ये गए ओ लोगो हमेशा सच बोला करो झूठ मत बोला करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। याद रखना लोगों झूठ मत बोलना क्योंकि झूठ अगर कोई बोलता है उनके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। सच बोला करो, जो बंदा सच बोलता रहता है अल्लाह उसका नाम सच बोलते बोलते सिद्दीक में लिख देता है और अगर कोई झूठ बोलता है उसका नाम कज़्ज़ाब में लिख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा झूठ मत बोला करो। ये झूठ ऐसी बला है जिसने कितने घर को तबाह कर दिया कितने घर को बर्बाद कर दिया। बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया इसी झूठ ने। बेटी के हाथों माँ की माँ का कत्ल करवा दिया इसी एक झूठ ने। भाई भाई में लड़ाई करवाया इसी झूठ ने। शौहर बीवी में तलाक करवाया एक झूठ ने। याद रखना लोगो झूठ अगर बोलते हो करोड़ों कमाओगे अल्लाह बरकत नहीं देगा। सच बोलकर रोजी कमाओ,
इज्जत वो सच बोल कर रिज्क कमा कर घर लाओ, रोजी का मालिक अल्लाह है। सच बोला करो, सच बोलते जाओगे कम कमाओगे नमक।